आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, व्यंजक x की घात 2 माइनस 4x माइनस 5 तथा x की घात 3 माइनस 4x की घात 2 माइनस 7x प्लस 10 का उभयनिष्ठ हल है। यहाँ पे विकल्प दिया हुआ है 3, 5, 3 और माइनस 5। तो यहाँ पर उभयनिष्ठ हल से क्या मतलब है, दोनों का सबसे पहले गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड में जो घटक कॉमन होगा दोनों में वही हमारा क्या होगा इन दोनों का, उसको हम जीरो के बराबर रखेंगे, तब जो इन दोनों में कॉमन आएगा, जो उभयनिष्ठ आएगा वही इनका क्या होगा, उभयनिष्ठ हल होगा। तो सबसे पहले इन दोनों का हम गुणनखंड कर लेते हैं या फिर दोनों का हल निकाल लेते हैं। तो यहाँ से क्या जाएगा, x की घात 2 माइनस 4x माइनस 5 बराबर 0 रखेंगे तो इसका हल आएगा। तो इसका हमें क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड करना पड़ेगा। ये द्विघात समीकरण है तो यहाँ पर ये जो 5 है इसका ऐसा गुणनखंड करना है कि जिसको घटाने पर क्या आए, 4 आए। घटाने पर क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, माइनस लिखा है। तो यहाँ पर 5 का ऐसा गुणनखंड क्या होगा, 5 गुने 1, क्योंकि 5 में से 1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 4। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, x की घात 2 माइनस, यहाँ पर हम इसको 4x को क्या लिख सकते हैं, 5x माइनस x। तो यहाँ से हो जाएगा 5x माइनस x माइनस 5 बराबर 0। माइनस का इसमें गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा, x की घात 2 माइनस 5x माइनस और माइनस प्लस x माइनस 5 बराबर 0। इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, x, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x माइनस 5। इन दोनों में से हम एक कॉमन ले सकते हैं तो क्या बचेगा, x माइनस 5 बराबर 0। दोनों में से हम x माइनस 5 कॉमन ले सकते हैं तो क्या आ जाएगा, x माइनस 5 और यहाँ से क्या आ जाएगा, x प्लस 1 बराबर 0। तो हम यहाँ पर x माइनस 5 को 0 रखेंगे या फिर x प्लस 1 को 0 रखेंगे। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस 5, 0 की तरफ आएगा तो प्लस 5 हो जाएगा और यहाँ से x बराबर प्लस 1 इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस 1। तो यहाँ से इसका हल क्या आ गया, x बराबर माइनस 1 और 5। ठीक है, इसी प्रकार से इसको हल करते हैं तो क्या दिया हुआ है यहाँ पर समीकरण, x की घात 3 माइनस 4x की घात 2 माइनस 7x प्लस 10 बराबर 0। तो हम यहाँ पे सबसे पहले x का कुछ, ये क्या है, त्रिघात समीकरण है, तो यहाँ पे सबसे पहले x का कुछ ऐसा मान रखते हैं जिससे ये क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो x का ऐसा मान हम क्या रख सकते हैं, अगर 1 रख के देखें यहाँ पर तो क्या जाएगा, 1 की घात 3, 1 माइनस 4 गुने 1 की घात 2 क्या हो जाएगा, माइनस 4, माइनस 7 गुने 1 क्या हो जाएगा, माइनस 7 और ये प्लस 10, तो 10 प्लस 1 11, माइनस 4 माइनस 7 माइनस 11, तो 11 और माइनस 11 क्या हो जाएगा, ये 0। मतलब यहाँ पर x बराबर 1 रखने पर ये 0 आ रहा है। अब तो फिर यहाँ से क्या करते हैं, 1 को इधर ला लेते हैं तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से ये जो x माइनस 1 है ये 1 इसका गुणनखंड होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसको कुछ इस तरीके से लिखते हैं ताकि सब में से x माइनस 1 कॉमन हो। तो यहाँ पर ये क्या, x की घात 3, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे ऐसा कि x माइनस 1 कॉमन हो, माइनस x की घात 2। ठीक है, क्योंकि आप x की घात 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से x बचेगा और यहाँ से 1 बचेगा, तो यहाँ पे माइनस x की घात 2 लिखा तो प्लस x की घात 2 भी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहले से ही माइनस 4x की घात 2 है तो माइनस 4x की घात 2 और यहाँ से जो प्लस x की घात 2 लिखा था दोनों को हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 4 और प्लस 1 क्या हो जाएगा, माइनस 3x की घात 2। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे ताकि माइनस 1 कॉमन हो सके, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, प्लस 3x, क्योंकि अगर यहाँ पे माइनस 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ से x बचेगा और यहाँ से माइनस 1 बचेगा। अब प्लस 3x लिखा तो माइनस 3x भी लिखना पड़ेगा, तो माइनस 3x और ये माइनस 7x क्या हो जाएगा, माइनस 10x और यहाँ पर ये क्या है, प्लस 10 बराबर 0। इन दोनों पदों में से x की घात 2 कॉमन होगा तो यहाँ से क्या बचेगा, x माइनस 1। इन दोनों में से माइनस 3x कॉमन होगा तो क्या बचेगा, x, और माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, 3x कॉमन हो गया तो क्या बचेगा, 1। अब यहाँ से इन दोनों में से हम माइनस 10 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x, और माइनस 10 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस कॉमन लिया तो प्लस का माइनस और यहाँ पे बच जाएगा 1 बराबर में क्या हो जाएगा, 0। अब इन तीनों पदों में हमें क्या दिखाई दे रहा है, x माइनस 1 दिखाई दे रहा है तीनों पदों में, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की घात 2 माइनस 3x और ये माइनस 10 बराबर 0। अब ये फिर से द्विघात समीकरण आ गया तो हमें 10 का ऐसा गुणनखंड करना है कि जिसको माइनस करने पर क्या आए, 3 आए। तो 10 का ऐसा गुणनखंड क्या होगा, 5 गुने 2, क्योंकि 5 में से 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस 1 x की घात 2 माइनस, हम इसकी जगह पे माइनस 3x की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 5x और 5x माइनस 2x। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 5x माइनस 2x माइनस 10 बराबर 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x माइनस 1, यहाँ से x की घात 2 माइनस 5x और ये माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 10 बराबर 0।
तो यहां से क्या आ जाएगा, एक्स माइनस एक, इन दोनों में से हम एक्स कॉमन ले सकते हैं तो क्या बचेगा एक्स माइनस पांच, इन दोनों में से हम प्लस दो कॉमन ले सकते हैं तो क्या बचेगा एक्स माइनस पांच इक्वल टू क्या आ जाएगा जीरो। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा एक्स माइनस एक, एक्स माइनस पांच दोनों में है तो दोनों में से कॉमन, तो फिर यहाँ से क्या बचेगा एक्स और यहाँ से प्लस दो बराबर जीरो। तो इन तीनों को हम जीरो के बराबर रख के देख लेते हैं, तो एक्स माइनस एक बराबर जीरो, एक्स माइनस पांच बराबर जीरो या फिर एक्स प्लस दो बराबर जीरो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये माइनस एक इधर आएगा तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा एक, यहाँ से माइनस पांच इधर आएगा तो क्या आ जाएगा प्लस पांच, और यहाँ से प्लस दो इधर आएगा तो माइनस दो। तो यहाँ से हमारे एक्स के क्या क्या मान आ गए, एक माइनस एक पांच और माइनस दो। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, इन दोनों में हमें पांच दिख रहा है कॉमन, ठीक है, तो इस इन दोनों का उभयनिष्ठ हल क्या हो जाएगा पांच, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, उभयनिष्ठ हल क्या आ गया पांच, कौन से विकल्प में दिख रहा है पांच, विकल्प बी में। तो ये हो गया हमारे प्रश्न का उत्तर। कक्षा छठी से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा, आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।